सभी भाई बहनों को गायत्री परिवार की ओर से, शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस शुभ प्रारंभ के लिए अक्षय कृषि परिवार को और उन सभी 30 संगठनों को जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर आज एकत्रित हो रहे हैं और एक शुभ शुरुआत को कर रहे हैं, उस सब के लिए करोड़ों गायत्री परिजनों की ओर से हम एक भाव भरी शुभकामना यहाँ से प्रेषित करते हैं। कुछ आवश्यक कारणों से आज आप लोगों के मध्य उपस्थित हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है, पर जो उद्देश्य आज अक्षय कृषि परिवार के द्वारा और अन्य सभी संगठनों के द्वारा सामूहिक रूप से लिया गया है, उसके महत्ता के विषय में ये कहना चाहता हूँ कि आज की परिस्थितियों की सबसे ज्वलंत और महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये जो समस्या है, जहाँ पर हम लोग एक ऐसी विषम परिस्थिति को अपने सामने विकसित होता हुआ देख सकते हैं कि जब लगभग धरती पूरी तरह से बंजर हो चली है, हवा जो है सांस लेने लायक नहीं रह गई है, पानी के अंदर हर तरह के विषैले तत्व इस कदर मौजूद हैं कि उसको हम लोग पीने के रूप में भी इस्तेमाल कर पाने में संकोच करते हैं। जितने भी वो तत्व हैं जिनके ऊपर मानवता का अस्तित्व निर्भर करता है, वो सारे के सारे तत्व आज न केवल उजड़ते नज़र आते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि किस तरह की धरती, किस तरह का वातावरण हम आने वाली पीढ़ी के हाथ में सौंप करके जा रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं, ये जो प्रदूषण की चुनौती है और पर्यावरण के विघटन की चुनौती है, जिसमें वो सारे आयाम, वो सारे पहलू बुरी तरह से लड़खड़ाते नज़र आते हैं, ऐसे समय में एक प्रश्न उभरता है और प्रश्न महत्वपूर्ण उभरता है। प्रश्न उभरता है कि क्या इन सारी परिस्थितियों को यूं ही चलने दिया जाए या उनके ऊपर नियंत्रण की व्यवस्था बनाई जाए। और समझदारी तो यही कहती है कि आज जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उसमें जितने भी कारण हैं उनके ऊपर तुरंत, त्वरित, अविलंब प्रतिरोध किया जाए। और सत्यता ये भी है कि यदि आज की तारीख में हम सारे कारकों को बदल दें, उन सारे कारणों पर रोक लगा दें जिनके कारण आज की भयावह परिस्थितियों ने जन्म लिया है, तो भी परिस्थिति को सुधरने में वर्षों लगने वाले हैं। ये गाड़ी जो है, इसका प्रवाह इतनी गलत दिशा में चला गया है कि यदि इसको सही दिशा में लाने का प्रयत्न किया गया तो लाते लाते वर्षों होने वाले हैं। पर दुर्भाग्य है कि इंसान ब्रेक पर पैर लगाने के बजाय एक्सीलेटर पर दबाने को तैयार है। पेड़ हम अंधाधुंध काट रहे हैं, कारखाने बिना किसी सोच के बढ़ते चले जा रहे हैं, आदमी की आवश्यकताएँ भी बढ़ती ही चली जा रही हैं, और दोनों के मध्य में एक सामंजस्य को स्थापित करने की आवश्यकता है, विकास और पर्यावरण। ये जो आज का प्रयास है वो यही है कि विकास को धीमा हम लोग नहीं करना चाहते, पर पर्यावरण की जो आवश्यकता है उसके ऊपर एक सार्थक, सकारात्मक, संगठित, एकत्र होकर के प्रयास करना चाहते हैं। और आज की जो शुरुआत है वो इसी भावना के साथ है कि ये जो आने वाले दिनों के लिए योजना है, जिसको अभी कृषि परिवार के माध्यम से सभी के साथ साझा किया जाएगा, उसमें संपूर्ण गायत्री परिजन, गायत्री परिवार एक अच्छे भाव के साथ जुटे हैं, क्योंकि हमारे लिए भी तो पृथ्वी माँ ही हैं। हम लोग कहते आए हैं लंबे समय से कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हम लोग इस बात को भी दोहराते आए हैं कि विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, कि आप माँ जो हैं धरती, आप भगवान विष्णु की पत्नी हैं और आपको पैर से भी छू रहे हैं तो क्षमा मांगते हैं। इस भाव के साथ कि वो जो भारतीय संस्कृति का, परंपरा का ये भाव था कि प्रकृति हमारे लिए साहचर्य का, सद्भाव का, संभाव का, सामंजस्य का प्रतीक थी, वो अंतःकरण का जो प्रदूषण है जिसमें स्वार्थ के आ जाने के कारण आज पर्यावरण का प्रदूषण हमें सर्वत्र फैलता दिखाई पड़ता है, उसको दूर करने का भाव भी हमारा है। और उद्देश्य यही है कि सही समय पर सही कदम उठाए जाएँ, ताकि कम से कम आने वाली पीढ़ी को वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति न देखनी पड़े जो आज बहुत सारे हिस्सों में हम लोगों को देखने को मिल रही है। इस शुभ शुरुआत के लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं।